కనే ప్రసంగం కొనసాగుతోంది, లైవ్ చూద్దాం. హే ఔర్ భారత్ మాతా రహేగి లేకిన్ భారత్ మాతా కా రంగ్ సిర్ఫ్ సఫేద్ నహీ హోగా ఉస్కా రంగ్ కాలా భీ హోగా వో శ్యామలీ భీ హోగి ఔర్ ఉస్కే పాస్ చమచమాతీ భగవా సారీ నహీ ఫటా హువా తిరంగా కా సారీ భీ హోగా ఔర్ కుచ్ ఐసే భీ వస్త్ర హే जहाँ सारी नहीं सलवार कमीज पहना जाता है जो आदिवासियों का प्रतीक है भारत माता वो भी पहनेगी. तुम भारत माता को हेजमोनाइज नहीं कर सकते हो, तुम भारत माता को अपने रंग में नहीं रंग सकते हो. भारत माता का रंग हिंदुस्तान का रंग है, 125 करोड़ लोगों का रंग है और इस रंग को तुम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाल के खिलाफ नीले का इस्तेमाल नहीं होगा. लाल और नीला मिलकर के जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ेगा. यही संघर्ष है, यही लड़ाई है. और बात तो मैं यहां तक करता हूं कि लाल और नीला ही दो रंग नहीं होता. कहते हैं सात सुर होते हैं और सात रंग होते हैं. इस देश के अंदर सच में अगर कोई क्रांति हो सकती है तो वो क्रांति छुआछूत के खिलाफ, वो क्रांति आर्थिक ऊंच नीच के खिलाफ हो सकती है. और उस क्रांति के रंग को लेकर हम में कोई झगड़ा नहीं है. हम सतरंगी क्रांति करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हरा भी प्यारा है, सफेद भी प्यारा है, केसरिया भी हमारा है, चक्र भी हमारा है. भारत माता हमारी है, भारत की अम्मी और भारत के तमाम लोग, चाहे वो मदर क्यों ना हो, वो भी हमारी है और हम उनको किसी रूप में बांटना नहीं चाहते. ये क्यों बांट रहे हैं हमको? क्योंकि इनके पीछे एक साजिश है. साजिश क्या है? दादरी में मार दो एक मुसलमान को, मार दो अखलाक को, और लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो आदमी मारा क्यों गया. लोग ये पूछेंगे कि फ्रिज में मांस किस चीज का रखा था. मार दो रोहित को, कर दो उसकी हत्या. लोग ये नहीं पूछेंगे कि रोहित मरा क्यों. उससे पूछी जाएगी कि उसकी जात क्या है. शर्म आती है, शर्म आती है इस राजनीति पे और दुख होता है ऐसे नैरेटिव पे जिसको इस देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. हमको लगता है मरने वाले इंसान की जात और धर्म पूछने से पहले मरने का कारण पूछना चाहिए और जो लोग जिम्मेवार हैं उन जिम्मेवार लोगों को ढूंढना चाहिए. इन्होंने नई साजिश रची. हम विद्यार्थियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को खड़ा करने का कोशिश किया. हमने कहा कि आप नहीं खड़ा कर सकते सुरक्षा बलों को हमारे खिलाफ. क्योंकि क्योंकि जो लोग शहीद हो रहे हैं सीमा पे वो भी शहीद हैं, जो लोग शहादत दे रहे हैं खेतों में वो भी शहीद हैं, और जो लोग शहादत दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में रोहित बेमुला वो भी शहीद हैं. हम शहीदों को आपस में आप नहीं लड़ा सकते हैं क्योंकि हम शहादत दे रहे हैं इस समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, बराबरी को स्थापित करने के लिए. और आप हमारी लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते, आप हमें बांट नहीं सकते. यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारी समझदारी है. इसीलिए साथियों बस एक बात अंतिम तौर पर कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि गंभीर दौर है. एक बड़ा आर्थिक संकट इस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है और यह आर्थिक संकट सिर्फ इस देश का संकट नहीं है, यह संकट पूरी दुनिया का संकट है. और शायद यही वजह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा वोट मिल रहा है जो सीधे तौर पे कहता है कि मुसलमानों को अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है. इस बात पर आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि दंगा करा करके लोग कैसे सरकार बना रहे हैं, इसका कारण क्या है. इसका कारण यह है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसको कहते हैं जुआ वाली पूंजीवाद, जहां लोग पैसे लेकर के उत्पादन करने के लिए नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं लगाते, किसानों को कर्ज नहीं देते, विद्यार्थियों को वजीफा नहीं देते, बल्कि सट्टा बाजार में बैठकर सट्टा खेलते हैं, उस क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस के चलते पूरी दुनिया में एक फासिस्ट सरकारें बन करके आ रही है. और भारत में ये संकट दुगना हो जाता है क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है.
यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ा देना बहुत आसान है, इसीलिए बार बार हम मिनिमम यूनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हमको इस क्रोनिक कैपिटलिज्म के लूट से इस देश को बचाना है तो अपनी मिनिमम यूनिटी बनानी पड़ेगी। और जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उस प्रोडक्टिव कैपिटल के पक्ष में हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रोडक्टिव कैपिटल अगर प्रोडक्शन करेगा तो रोजगार जनरेट होगा, शिक्षा जनरेट होगा, तभी इस देश के अंदर जो विभाजन के आधार पर होने वाली राजनीति है उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ राजनीति की बात तो कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थी हो पॉलिटिक्स की बात क्यों करते हो। हमने कहा जो लोग आजकल संसद में बैठकर हमें राजनीति करने से मना कर रहे हैं, पहली और बात तो यह कि वह अभी राजनीति से ही वहां तक पहुंचे हैं, और दूसरी बात यह कि इस देश में अगर संकट उत्पन्न हो गया है तो उस संकट को खत्म करने के लिए हम पूछेंगे नहीं कि कौन हमारे साथ आ रहा है, उठाएंगे झंडा निकल पड़ेंगे आगे, क्योंकि इस देश को बचाने की ये लड़ाई है, ये राजनीति नहीं है। आप अगर हमारे घर पे हमला करेंगे, हमारे पहचान पे हमला करेंगे, क्या कहा साथी रोहित ने? साथी रोहित ने कहा कि किसी भी दलित का पैदा होना एक हादसा है, दलित पैदा होगा लेकिन दलित होकर नहीं मरेगा, रोहित बनेगा लेकिन रोहित मरेगा नहीं, वो लड़ेगा अपने हक के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और जब समाज में ऐसा संकट है, जब समाज में संकट गहराया है कि हमको वजीफा नहीं मिल रहा, अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हमको नौकरी नहीं मिल रही तो हम जिम्मेदार आदमी को ढूंढेंगे और उसका लखटकिया कोट पकड़ करके उससे पूछेंगे कि लखटकिया कोट के लिए पैसा है और हमारा वजीफा देने के लिए पैसा नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब्सिडी का पैसा विजय माल्या को दे करके लंदन आप भिजवा दीजिएगा और हमारा पैसा हमको ना दे करके हमको फांसी पे झुला दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है, ये हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए साथियों आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज के समय में हमें महामानवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके देखने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा करके देखने की जरूरत है। हो सकता है कि अंबेडकरिज्म और मार्क्सिज्म में एक जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन रहा हो, लेकिन मैंने भी इतिहास पढ़ा है, जिस डांगे के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर को वोट देने के बजाय बैलेट को फेंक देना अच्छा है, उसी डांगे के साथ कामगारों के हड़ताल में हमेशा अंबेडकर शामिल होते थे और उनकी लेबर पार्टी शामिल होती थी, और अंबेडकर ने इस देश के अंदर अगर पार्टी बनाई तो लेबर पार्टी बनाई। दिस इज द बेसिक एसेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ मार्क्सिज्म एंड अंबेडकराइट मूवमेंट। आई वांट टू टेल यू, केरला के अंदर जो लेफ्टिस्ट लोग थे खुद को एथिस्ट कहते थे, लेकिन दलितों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गांधी और अंबेडकर के बीच में भी एक डिबेट रहा होगा, लेकिन अगर आपको गोडसे से लड़ना है तो गांधी का नाम लेना पड़ेगा, वरना ये गांधी छोड़ देंगे और उसका चश्मा अपना लेंगे। हमको पूरा गांधी चाहिए, सिर्फ चश्मा से हम नहीं मानने वाले हैं, चश्मा देकर के तुम हमें ठग नहीं सकते हो। हम तो कहते हैं कि विवेकानंद भी इनके नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर 2 साल हो गया सरकार को, एक तो इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई और जो योजना बनाई उसका नाम विवेकानंद पे नहीं रखा, अपने संघ के नेताओं के नाम पे रखा, क्योंकि इनको विवेकानंद से भी दिक्कत है। विवेकानंद कहते हैं एक जगह, इस देश के अंदर गरीबों के सामने धर्म की बात करना सबसे बड़ा अधर्म है। अब बताइए ये धर्म के नाम पे वोट कैसे मांगेंगे और विवेकानंद इनकी मदद कैसे करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के तमाम महामानव जो जनता की मुक्ति को लेकर के संघर्ष किए हैं, उन महामानवों के रास्ते पे हमको चलने की जरूरत है। चाहे वो महामानव पीसी जोशी हो, डांगे हो, बीटीआर हो, चाहे वो महामानव गांधी, अंबेडकर,
फूले, पेड़ियार, भगत सिंह या वो तमाम लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, कबीर रसखान और गुरु नानक हो, इन तमाम लोगों के साथ हमको खड़ा होना है और भारत की जो संस्कृति है उसको बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, इस देश के अंदर 55% नौजवान हैं, वही सीमाओं पे जाते हैं, वही खेतों में जाते हैं, वही फैक्ट्रियों में जाते हैं, इसलिए जय जवान। इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, उपजाने वाले का बेटा जो सबके लिए अनाज पैदा करता है उसका बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो जय किसान, क्योंकि उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो विदेश कैसे जाओगे, कैसे फ्लाइट मोड में रहोगे, तो जय किसान। और संविधान की जय इसलिए क्योंकि यह संविधान ही इस देश में सही देशभक्ति की बात करती है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर प्रीएम्बल, द फर्स्ट लाइन इज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी शुड सैल्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड सैल्यूट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एंड द लास्ट थिंग, आजादी देश से नहीं मनुवाद से चाहिए, छुआछूत से चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं, जोर से बोलो, अरे मनुवाद से, अरे जातिवाद से, तो हथियारों से, अरे झूठ मूठ से, फर्जीवाड़े से, जुमलेबाजों से, तो सूत्र बूट से, हम लड़ने रहेंगे, अरे गाड़ी से, अरे फरमारी से, हे हथ हमारी, हे चलन प्यारी, हे प्यारी प्यारी, तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो, सब मिलकर बोलो, तो जोर से बोलो, तुम कुछ भी कर लो, हम लड़ने रहेंगे, तुम झूठे मारो, तुम पत्थर मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, तो सुन लो मोदी, आरएसएस सुन ले, हम लड़ने रहेंगे, तो संघवाद से, सामंतवाद से, तो जातिवाद से, तो मनुवाद से, तो मांग रही पूरी आबादी, अरे मांग रही आधी आबादी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।